गाइस अगर आप भी मेरी तरह GTA 5 गेम खेलने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में जो भी मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ उससे मुझे 100% यकीन है कि आप कभी भी GTA 5 को YouTube में सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस जो चीज़ आपको मिल जाती है आपको सर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप निराश नहीं होंगे। दूसरी बात गाइस, मैं GTA 5 के बारे में कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं और वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हकीकत में वैसी होती है। तो तीसरी बात क्या है गाइस, जो GTA 5 मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी 5% और डिफरेंट होगा, बाकी 95% और GTA 5 की तरह ही होगा, सेम टू सेम GTA 5 की तरह होगा, यानी उसके ग्राफिक्स और मतलब उसके ज्योग्राफी, उसके जो लोग यानी उसके सिटीज़, ये सब चीज़ें वही GTA 5 की होगी, लेकिन 5% उसमें इसलिए कमी होगी क्योंकि हमारे एंड्रॉयड में भी कुछ कमी होगी। सो गाइज, वो कौन सी बातें थी जो मैं GTA 5 के बारे में कहने वाला था और आपको पहले से भी मैंने वार्निंग दी कि आपको वीडियो नहीं छोड़नी है, तो ये है गाइज, आपको लोग गुमराह करते हैं, यानी 5 MB का फाइल डाउनलोड करो, 30 MB का फाइल डाउनलोड करो, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करो, फिर 30 मिनट का वेट करो, फिर वो मतलब वही GTA 5 यानी हाई ग्राफिक्स गेम जो है आपके एंड्रॉयड में आ जाएगा और आप गेम खेल सकेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ गाइज, आपको दिख रहा है कि ये बंदा किस तरह खेल रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ गाइस कि ये लोग आपके साथ कुछ ट्रिक करते हैं, यानी कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम जब आप उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो कंप्यूटर का सारा कंट्रोल एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाएगा, यानी अगर आप कंप्यूटर में GTA 5 को ओपन करेंगे तो वो सीधा आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, यानी एक किस्म के साथ वाईफाई या हॉटस्पॉट की मदद से वो कनेक्ट हो जाता है और जो चीज़ें कंप्यूटर में दिखाई जाती है और वो फ़ोन में दिखने लगती है। तो जो चीज़ें आप फ़ोन में करेंगे तो वो कंप्यूटर में खुद बहुत होगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं गाइस ये दोनों किस तरह कनेक्ट है, तो ये इस तरह मामला है गाइस। तो अब मैं जो GTA 5 के बारे में बता रहा था ये है, ये एक GTA गेम है गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सेम टू सेम GTA की तरह है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि इसके ग्राफिक्स थोड़े कम हैं। अब ये क्यों कम है गाइस, क्योंकि GTA 5 के लिए ग्राफिक्स कार्ड का होना ज़रूरी है, यानी इतने बड़े ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। अब ग्राफिक्स कार्ड ये है गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन से भी बड़ा है, यानी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा सिस्टम नहीं है जो यानी ग्राफिक्स कार्ड को उसके साथ कनेक्ट करें। अब कंप्यूटर की बात की जाए, अगर कंप्यूटर से भी हम ग्राफिक्स कार्ड को निकाल दें तो वो भी GTA 5 को नहीं चला सकता, बावजूद 10 GB रैम हो, 20 GB रैम हो, तो फिर भी कंप्यूटर जो है मतलब GTA 5 को नहीं चला सकता बगैर मतलब ग्राफिक्स कार्ड के बगैर ये नहीं चला सकता। तो अब ये जो GTA है इसका नाम है GTA San Andreas, ये सेम टू सेम GTA 5 की तरह है, बस फर्क इतना है कि इसके ग्राफिक्स यानी इसकी ज्योग्राफी थोड़ी छोटी है, इसलिए छोटी है गाइज मैंने आपको बताया। तो अब इसको डाउनलोड किस तरह करते हैं, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे गाइज तो ये क्या करेगा, मतलब आपसे पैसे मांगेगा, यानी पेमेंट करवाने होंगे। तो कहें पेमेंट से हम किस तरह बचेंगे, तो सिंपली हम एक ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एप्टॉइड ऐप, ये एक प्ले स्टोर की तरह एक ऐप है जिसमें फ्री ऐप मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एप्टॉइड ऐप को गूगल में सर्च करेंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब हम उसको डाउनलोड करेंगे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद गाइज हम उसको उसी जगह पर छोड़ना है। इसके बाद गाइज हम किसी भी ब्राउज़र को दोबारा ओपन करेंगे और उसमें GTA San Andreas को सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर पहली नंबर पर GTA San Andreas होगा और नीचे वहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल या GTA San Andreas पर क्लिक करेंगे तो दो एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे, एक प्ले स्टोर एक एप्टॉइड। तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी किस ऐप पर, तो आपको एप्टॉइड पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहली बात गाइस, एप्टॉइड पर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये एक प्रीमियम ऐप है जो फ्री में डाउनलोड हो रहा है, तो टाइम लेगा, यानी 6 आवर्स भी ले सकता है, लेकिन ये आपके फ़ोन में मतलब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आप इजीली डाउनलोड कर सकेंगे, इंस्टॉल कर सकेंगे। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो गाइस ये फ्रीली आप जो है इसे मतलब चला सकेंगे। फिर आपको जो हैक चाहिए वगैरह, ग्राफिक्स को बढ़ाना है, जो भी चीज़ें करनी है आप यूट्यूब में इसे मतलब फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो लोग आपको तरीक़े भी बताएंगे, जो भी तरीके होंगे सही होंगे, लेकिन GTA 5 जो है वो आपको कभी नहीं मिल सकता। मैंने आप लोग को पहले भी बताया गाइस कि ये लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टाइम वेस्ट करने से मैंने तुम लोगों को बचाया, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।